सभी देश प्रदेश व क्षेत्रवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक श्री चुनमुन गर्ग, चुनमुन किराना स्टोर, चौधरीवाड़ा, सिकंदराबाद। चुनमुन किराना स्टोर होलसेल, साइट फॉर ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद लोनी बॉर्डर थाना इलाके के बेहटा हाजीपुर के मौलाना आजाद कॉलोनी में एक दर्दनाक हादसा हुआ। दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 बच्चे, 2 महिलाएं व एक बुजुर्ग की आग लगने से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि मौलाना आजाद कॉलोनी में स्थित एक घर में रात बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से घर में आग लग गई और आग इतनी भयंकर लगी कि पूरा घर जलकर राख हो गया। घर में मौजूद लोग आग में झुलस गए और घर में चीख पुकार मच गई। घर में मौजूद 3 मासूम बच्चे, 2 महिलाएं व एक व्यक्ति के दम घुटने से व झुलसने से मौत हो गई। आग का तांडव जबरदस्त था कि चीख पुकार की आवाज भी दबकर रह गई। चीख पुकार की आवाज जब मोहल्ले में लगी तो आनन फानन में लोगों द्वारा इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। बच्चे को उठाने के लिए आए तब पता चला। जी कितने लोग हैं जी? ये 6 लोग हैं। 6 लोग, कैसे कैसे हुआ था भैया? तो पता नहीं चल पाया, लेकिन सुबह जो बच्चों को पेपर देने के लिए उठाया जी, तब पता चल पाया जी। इसमें 6 लोग हैं जी, एक सबसे बड़ी वाली भावा जी की जी, और 3 बच्चे एक भाई के हैं, 2 बच्चे एक भाई के हैं। लेडीज कितनी है इसमें? 4 लेडीज हैं, एक बड़ी है, 3 बच्चे हैं जी। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं? 8 साल से 12 साल तक। सुबह जब बच्चों के लिए स्कूल के लिए उठाने गए बच्चे, जब पता लगा है बच्चे जले पड़े हैं, आग लग चुकी है। उससे पहले तो किसी को पता नहीं लगता, परिवार में 6-7 जने थे और बाकी शादी में गए हुए थे। क्या? और एक तो भावज थी इनकी बड़ी, जो मुखिया था वो भी शादी में गए हुए थे जी, और भी ये बच्चे थे घर में सो रहे थे अंदर। बाकी एक दूसरे राज में भाई है बड़ा, उसने पता करा, उठाने गए तो देखा वहाँ आग लगी थी। जब तक फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाती तब तक पूरा घर मौत के आगोश में सो चुका था। सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित पाया। इस दर्दनाक हादसे से पूरा इलाका सहम गया। मौके की तस्वीर देखिए आपके सामने है कि किस तरीके से 6 लोगों की आग में झुलसने से मौत हुई। देखिए ये बेटा हाजीपुर गांव है, और बेटा हाजीपुर गांव में एक मकान में एक आसिफ है, उनकी 3 बेटियां हैं, 5 साल 7 साल के जो बच्चे हैं, और एक राशिद है, उनके 2 बेटे हैं और एक परवीन है। ये लेडी थी, 30 साल इनकी लगभग उम्र है। ये सब लोग उस कमरे में सो रहे थे, छोटा सा एक वेंटिलेशन था उसमें जी। और इस कमरे में अचानक रात में आग लग गई। अब वो एक एलईडी वहाँ पर फटी हुई पाई गई है, जिससे लग रहा है कि शायद वो एलईडी शॉर्ट सर्किट हुआ और जिससे कि वो एलईडी ने आग पकड़ ली और उस कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड इतना भर गया कि वो सोते हुए बच्चे इस नाक में सब चला गया और सफोकेशन से दम घुटने से उनको मौत हो जी। सर पता कितने बजे? क्योंकि पता है 9 बजे घटना का पता लगा है। ये सुनने में आ रहा है कि एक्चुअली रात की घटना है, और वो बच्चे बेड पर लेटे हुए थे तो वो उनकी नाक में ये कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी मात्रा में चला गया कि वो एट द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। और इतना भी उनको टाइम नहीं मिल पाया कि वो दरवाजा खोल सकते, बाहर निकल सकते, क्योंकि दरवाजे के पास ही एलईडी लगी हुई थी। आग शॉर्ट सर्किट से लगी बताई जा रही है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ सोनू, Time24 न्यूज। सभी देश प्रदेश व क्षेत्रवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक श्री चुनमुन गर्ग, चुनमुन किराना स्टोर, चौधरीवाड़ा, सिकंदराबाद। चुनमुन किराना स्टोर होलसेल, साइट फॉर ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर।